हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ आपके सामने। एक और प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे आया था। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रियल मी एयरबड्स 2 का किया था, तो सेम ही दिन पे ये भी बॉक्स आ गया था, बट मैंने उसको अलग वीडियो में डाला है। तो एक और दूसरा प्रोडक्ट आ गया है, इसमें है क्या है वो मैं आपको देख के बताता हूँ, क्योंकि अभी इसके अनबॉक्सिंग बाकी है। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसका भी वीडियो फटाफट तैयार कर देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताते हैं कि क्या है बॉक्स। ये भी फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है और इसको जस्ट अभी मैं कर रहा हूँ अनबॉक्स। सबसे पहले आप खोलेंगे तो एक फ्लिपकार्ट का जो है बिल है, जो कि 1800 रुपये का बिल है। जी हाँ, ये 1800 रुपये का प्रोडक्ट है। दिस इज बोट रगबाई प्लस 16 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर, जिसमें आप बात भी कर सकते हैं। और एक्चुअली मेरे भाई को रिक्वायरमेंट था तो उसने ही ऑर्डर किया। मैं तो सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अपने चैनल पे, मुझे थोड़ा कंटेंट मिल गया तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बॉक्स है और बॉक्स को साइड में रखते हैं। और दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज बोट का रग बाई प्लस ब्लूटूथ स्पीकर। बेसिकली कॉम्पैक्ट साइज का स्पीकर है। अगर आपको पास से दिखाऊं तो कलर भी इसमें फोटो में तो रेड दिया हुआ है। अंदर इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है मैं आपको बता देता हूँ। बोट एक रिनोन्ड ब्रांड। इसका MRP जो बॉक्स पे लिखा हुआ है वो 4990 रुपये लिखा हुआ है, बट ऑफर प्राइस इज 1800 रुपीज ओनली। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बोट स्पीकर के अंदर, तो इसमें ब्लूटूथ स्पीकर आजकल बहुत ही पॉपुलर है, छोटे छोटे। उसमें लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज रहती हैं, लाइक कॉल्स रहती हैं, आप गाना सुन सकते हैं, बैटरी बैकअप अच्छा रहता है, पोर्टेबल रहता है, और आप कहीं भी इजीली उसको रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसमें क्या क्या फैसिलिटी। इसमें माइक्स माइक लगे हुए हैं कॉल रिसीव करने के लिए, और वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब पानी जाएगा तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होएगा। टाइप सी का इंटरफेस है, लाइक आप टाइप सी से आप चार्जिंग कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5.0 है इसमें। 2000 mAh की कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी है, और कनेक्टिविटी मोड ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑग्स लगा सकते हैं या कार्ड्स लगा सकते हैं। ये छोटा सा बॉक्स है, इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग करके मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि कैसा है और उसका फील कैसा है। एक्चुअली 1800 रुपये एक बहुत ही बजट प्राइजिंग है इसके लिए। जो लोग मतलब बड़ा अगर इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल चाहते हैं प्राइसिंग, तो ये भी अच्छा है। बट वही कि इसका भी, जैसे आप बॉक्स खोलेंगे आपको दो तीन मैनुअल्स की चीज़ें मिलेंगी, लाइक ये मैनुअल गाइड मिलेगा, उसके बाद बोट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी सारी चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद बोट का सनबर्न फेस्ट होता है, उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा वो मिलेगा, एक ऑक्स केबल मिलेगी जो कि आजकल कहाँ इतनी यूज़ होती है, क्योंकि हाँ अगर यूज़ होगी तो आपको काम में आ जाएगी ये सारी चीज़। फिर एक सी टाइप केबल मिलेगी, ये सी टाइप केबल हमेशा काम में आएगी क्योंकि इसको चार्जिंग करने में या और दूसरी जगह भी काम में आएगी। उसके बाद कुछ इस तरीके का, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का ये बॉक्स, ये पैक रहता है, ये प्लास्टिक रहता है उसके ऊपर, और ये फाइनल बॉक्स एम्प्टी, और ये है बोट का स्पीकर। तो ये छोटू सा स्पीकर है और सच बताऊं तो पकड़ने में भी ये ठीक ठाक लग रहा है, मतलब नॉट वेरी वाव क्वालिटी, बट ऐसा रबड़ वगैरह जो इसकी लगी है उतनी कुछ खास नहीं है। बट 1800 रुपये में आप क्या ले लोगे। इसमें तीन चार बटन्स हैं, मैं बता देता हूँ। पावर का बटन है, माइनस वॉल्यूम का बटन है, यहाँ से आप फोन रिसीव कर सकते हो, यहाँ से आप प्लस कर सकते हो, और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका चार्जिंग पोर्ट किधर है मैं वही खोज रहा हूँ। चार्जिंग पॉइंट इसका होना चाहिए ना कहीं यार, ये है क्या शायद। हाँ, ये देखिए, ये जो साइड में इसके बंधा, ये बंद बंद था, इसको खोलेंगे तो आप यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे ऑक्स केबल का ऑप्शन है, यहाँ सी टाइप का ऑप्शन है, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे है, आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं इसको। और इसका भी कैसा है आफ्टर, अच्छा ये इसके अंदर ये सारी, ये मेरे ख्याल से रबर जो है ना
ये रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट रिमूव करने की क्या जरूरत है, अगर आप इसको अच्छे से रखोगे यहाँ पे कहीं पे भी वेस्ट पे रखोगे तो ये डेफिनेटली। और इसमें एक हैंडी ये हैंडल भी लगा हुआ है जिससे आप आराम से इसको कहीं ऐसा टांग भी सकते हो, लटका सकते हो, कहीं भी आपको जहाँ भी समझ में आए वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो रग्बी प्लस करके इसका नाम दिया हुआ है, आई थिंक जो रग्बी की बॉल होता है, जो गेम होती है रग्बी की, उसकी बॉल ऐसी ही रहती है, जो रग्बी की बॉल उसको बोलते हैं, बॉल तो नहीं बोलेंगे उसको, रग्बी ही बोलते हैं। तो रग्बी जो गेम होता है उसी से इंस्पायर्ड ये कुछ डिजाइन है जो कि बोट ने बनाया है। दिस इज इंटरनेशनल डिजाइन विच इज वेरी फेमस गेम फॉर लाइक रग्बी, रग्बी का ही पूरा कॉपी डिजाइन है। दिस इज एक अच्छा है और हाथ में भी हैंडी है, छोटा सा है, आप रग्बी नहीं खेल सकते हैं तो इसके साथ जरूर खेलिए। और इसका साउंड का परफॉर्मेंस कैसा है और इसका और भी कैसा बैटरी बैकअप है वो मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी अनबॉक्सिंग पसंद आई हो। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और छोटी छोटी अनबॉक्सिंग्स खुशियों के साथ हम आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।